राजेश कुमार, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर में फूड डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और जेट स्क्वायर मॉल में यहां पे पहुंची टीम, हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच के लिए ये टीम पहुंची और जेट स्क्वायर मॉल में बने फूड आउटलेट में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बिकते हैं। फूड विभाग की टीम हलाल सर्टिफिकेशन की कर रही है जांच। अलीगढ़ में औषधि विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, महानगर में यह अभियान चलाया गया, कई जगहों से जांच के लिए नमूने भी लिए गए। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। ये दो तस्वीरें अलीगढ़ और कानपुर की, यानी एक अलीगढ़ की तस्वीर है, एक कानपुर की तस्वीर है, और यहां पे प्रशासनिक टीम पहुंची, प्रोडक्ट जो है उसकी जांच की गई, कुछ सैंपल लिए गए जांच के लिए। फूड डिपार्टमेंट, औषधि विभाग पूरी तरह से यहां पे अलर्ट दिखाई दिया। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। अलीगढ़ और कानपुर में प्रशासनिक टीमें पहुंची और यहां पे जांच की गई, प्रोडक्ट को देखा गया, कुछ नमूने लिए गए। तो यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगी रोक के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। कानपुर और अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर में फूड डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, यहां पे जेट स्क्वायर मॉल है उसमें, और हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच के लिए यह टीम पहुंची। फूड विभाग की टीम हलाल सर्टिफिकेशन की जांच कर रही है। अलीगढ़ में औषधि विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, महानगर में यह अभियान चलाया गया और कई जगह से जांच के नमूने भी लिए गए जांच के लिए। तो कानपुर और अलीगढ़ में पूरा प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट है। फूड डिपार्टमेंट की टीम यहां पहुंची और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे संवाददाता। यूपी में रामजी, हलाल सर्टिफिकेशन पे रोक के बाद प्रशासन भी अब पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक आदेश किया जिसमें हलाल के प्रोडक्ट जो है उन पर पूरी सर्टिफिकेट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, जिसके बाद से जब पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर जिस प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है, इस तरह के प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए लगातार जो टीम है छापेमारी करी। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर पर आज खाद्य विभाग की टीम बड़ा चौरा स्थित जेड स्क्वायर मॉल पहुंचती है। वहां पर जितने भी खाद्य पदार्थ के जो भी मॉल में जो दुकानें हैं वहां पर टीम गिरत पहुंचती है, वहां छापेमारी करती है। कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनका नमूना भी लिया गया, उसकी जांच कराई जा रही है, जिससे कि यदि रोक के बावजूद इस तरह के प्रोडक्ट हलाल के से जुड़े जो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के नमूने लिए गए। साथ ही इस पूरे मामले में जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी प्रदीप पटेल, उन्होंने साफ तौर बताया सिर्फ जेड स्क्वायर ही नहीं, आज पूरे कानपुर में जहां भी ये मॉल है इस तरह की शिकायतें मिल रही है वहां पर लगातार कार्रवाई करने के लिए पूरी टीम निकली हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। ये अभियान जो लगातार जारी रहेगा। आपको बताते चले कि शनिवार को इस तरह का आदेश हुआ था, उस आदेश के बाद से लगातार प्रशासनिक अधिकारी और खाद्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और लगातार छापेमारी जारी है। आज जेड स्क्वायर के जिन मॉल पे थे वहां चार दुकानों में पहुंचती है, वहां से माल लिया है और उसका सैंपल ले लिया है। सैंपल लेने के बाद उनको फॉरेंसिक भेजा जाएगा जांच के लिए, और यदि इस तरह कोई भी सत्यता पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य दुकानदार है जो मॉल्स में, उनको हिदायत दी गई कि इस तरह के हलाल से जुड़े जो भी प्रोडक्ट है उनको ना बेचा जाए, यदि है तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि इस पर पूरी तरह से योगी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जी ऐसे में माना जाए कि मुख्यमंत्री के सख्ती के बाद, सरकार की सख्ती के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट है और यही वजह है कि प्रशासनिक टीम यहां पे पहुंची और जांच की जा रही है, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शनिवार को जब यह आदेश हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसके बाद से प्रशासनिक टीम ने जो यह कानपुर जिला अधिकारी विशाल जी, उन्होंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनके बैठक करी थी। बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिए थे, कहे थे कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप काम किया जाएगा,
और जिस तरह के प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई वह प्रोडक्ट पूरी तरीके से पूर्ण से प्रतिबंध किया जाए, जहां पर भी हालात से जुड़े जो भी पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो वो जहां भी बिक रहे हो उन सभी पर कार्रवाई की जाए, उसको दुष्टाय किया जाए, और यदि कोई दुकानदार या वो नहीं मान रहा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर के आज खाद्य विभाग के अधिकारी की शिकायत मिली थी कि मॉल्स में इस तरह के प्रोडक्ट अभी भी बेचे जा रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक कोई भी डर नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर के आज एक मॉल पर छापेमारी की गई, इसके बाद एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसके बाद अब अन्य मॉल जो कानपुर में है या वो दुकानें चोर छुपे इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन पर अब सख्ती कर दी जाएगी, उन पर कार्रवाई के लिए पूरी टीम जो है छापेमारी कर रही है। जी ठीक है, अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र, हलाल सर्टिफिकेशन पे रोक के बाद अलीगढ़ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। उनकी हलाला प्रोडक्ट जो हलाल का जो प्रोडक्ट होगा जिसमें हलाल सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ के लोकल नहीं रहेगा। अलीगढ़ जो है क्या हलाल हलाल का बहुत बड़ा कारोबार यहाँ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा नीच का कारोबार ही अलीगढ़ है, क्योंकि जितने सदेश में हाउस अलीगढ़ है बहुत हलाल का हाउस है, और सब जो ज्यादातर जितने भी यहाँ पर है वो सब सऊदी अरब या अरब की तरफ अरब कंट्रीज में यहाँ से सप्लाई होता है, तो इसलिए यहाँ हलाला सर्टिफिकेशन हर आइटम पर जरूरी होता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो है जो सऊदी अरब के साथ साथ यहाँ इंडिया में बहुत बिकती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनानी प्रोडक्ट है यहाँ के एएमयू के वो भी इंडिया क्वालिटी के वो भी यहाँ पर बिकते हैं, तो उन सब पर भी हलाला, तो जो भी कारोबार है जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर तो इस सर्टिफिकेट का कोई असर नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी यहाँ पर है जो यहाँ पर जो लोकल लेवल पे जितने भी वो होंगे जो सप्लाई होगी उस पर हलाला सर्टिफिकेट होंगे, तो इसी बात के लिए यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरीके से चेकिंग करवाई है, और चेकिंग करवाने में उसमें जो भी रिजल्ट आएगा और किसी प्रोडक्ट पे हलाला हलाल लिखा होगा उस पर सब पर कार्रवाई होगी। जी लेकिन योगेंद्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीट प्रोडक्ट के लिए है, बल्कि ये तो साबुन, नमकीन, दूध, कपड़ा, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए भी अब इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होता है, इसको लेके अब विवाद जो है वो बवाल हो रहा है। देखिए जो जो मैंने यहाँ पर स्लॉटर हाउस का नाम केवल इसलिए लिया क्योंकि जो मीट कारोबार है अलीगढ़ उसमें नंबर वन है। दूसरी चीज ये है कि जो टीडिया कॉलेज है, इंडिया कॉलेज की बहुत सी दवाइयां ऐसी आती है, बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जो हर्बल प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेद प्रोडक्ट आते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इंडिया कॉलेज के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे दिमाग रिपोर्ट कई दवाइयां हैं, तो उन पर भी सब पर हलाला अगर लिख के देंगे। इसके अलावा भी जैसे बाबा रामदेव की भी कुछ दवाइयां हैं जिन पर हलाल का लिखा हुआ है, तो इन सबको इन सबकी जाँच की गई है। अब जो जो प्रोडक्ट यहाँ अलीगढ़ में मिले हैं और जिन पर हलाल लिखा हुआ है उन सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। रामजी शर्मा, इस कार्रवाई के बाद किस तरह के विवाद होने लगा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस मुद्दे पे सियासत भी हो रहे हैं, सियासी बयान भी आने लगे हैं, सियासत भी गर्मा गई है, और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो भी अपने अपने तरीकों से इस मामले को देख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मॉल पे कार्रवाई की, कई दुकानों पर छापेमारी की है, इसके साथ ही कई ऐसी मार्केट जो काफी वैसी मार्केट है जहां पर थोक का काम होता है उन सभी जगहों पर छापेमारी की गई, उन प्रोडक्ट को पूरी तरीके से नमूने देकर उन पर कार्रवाई के लिए कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं वो लगातार इन सभी चीजों को लेकर के विरोध कर रहा है, क्योंकि वो लगातार जो भी कार्रवाई हो रही है उसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के जो रोक जो भी सरकार कह रही है वो पूरी तरह गलत है, कहीं ना कहीं व्यापार पे इसको पूरी तरह असर पड़ेगा, व्यापार कहीं ना कहीं जो ऊपर स्तर व्यापार है वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज की जगह जो बात कर रहे हैं, धर्मगुरु बात कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत से जो एक इसमें भी दो फाड़ हो चुकी है, क्योंकि एक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरे पर इस फैसले को लेकर के अपनी सहानुभूति जा रहा है कि जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, इससे हलाल से जुड़े जो भी चीजें, क्योंकि जो हलाल है ये इस अरबी भाषा की एक वर्ड है, इस जिसको समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिसको लेकर हलाल शब्द को लेकर के पहले से ही मुस्लिम के जो एक पक्ष के लोग हैं वो इसका विरोध भी करते थे, तो लेकिन अब जहां ये प्रतिबंध लगाया गया तो उसको लेकर वो खुश है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, लेकिन उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो जिला प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसका कहना है कि जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप काम किया जाएगा, अगर जो आदेश होगा उसको पालन कराया जाएगा, यदि इसका कोई विरोध करता है तो उसको सख्ती से पालन कराने का काम जो है जिला प्रशासन अधिकारी करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी आपका भी और योगेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे चुकी